Collaborate. बस, बस collaborate मैं क्या इसका? हमें क्यों देख रहे हैं लोग अभी इट्स बिकॉज ऑफ दिस राइट लाइक बिकॉज दे फील कि हम लोग कोई वैल्यू देते exactly तो हैं तभी हम लोग इतना फॉलो करके यहाँ पे क्या पता तो देखने आए हो प्लीज सब्सक्राइब बट Um, if you want to ask us any questions, by the way, guys, like you can always write to us on Instagram or like you can leave any comments. Also, in, in this video. Um, as yeah. a, like, we can do this thing that after every episode we can put out a story. Yeah, just way people can ask questions and then we can exactly. Yeah, the best thing is that we talk about what you guys want to know, you know, and mm -hmm. it's it's going to be much easier for us to bring out new, new topics. Of course, there are many things that we want to cover as well, and so let's go ahead and start the podcast, right? Perfect. 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 तो मैं ये पूछ रहा था जैसे यू हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस डीलिंग विद क्लाइंट्स यू बिन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम तो uh, ऐसा रहता है ना कि वैन एवर समी स्टार्टिंग फ्रेश विद लाइक क्लाइंट वर्क जैसे मैं भी हूँ या फिर hmm. और भी मेरे दोस्त वगैरह हैं तो ऐसा रहता है कि हाउ मच डू यू वन गेट इन्वॉल्व क्या उसमें कुछ ना कुछ इशूज़ रहते तो वट इज़ लाइक योर राइट स्ट्राटी हाउ डू यू डील डी विद्लाइंट बेसिकलीट से आई एम लेट से आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर वट एवर आई एंड आई एम हेयर आर्ट सिल्क रोड मेरे को गाना बनाना है तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा हाउ डू हाउ विल यू डील विद मी यार सब लोग का डिफरेंट प्रोसेस है बट मेरा कायदे में हमेशा से सेम ही रहा है क्लियर ही रहा है कि पहले तो क्लाइंट क्लाइंट को जानना कि उसका उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो किस वाइब से आया है सबसे ज़्यादा जनरल बात ही रहती है कि कौन सी जॉनर कौन सी क्वालिटी को वो आ, सोचता है कि ये मेरे लिए क्वालिटी बेस्ट है मतलब उसके रेफरेंस uh, आर्टिस्ट exactly. है किसको देख yeah. के वो इंस्पायर होकर आर्ट बना रहा ah, है basically. क्योंकि hmm. मेरे मेर को हमेशा ऐसा लगता है कि आई कैन गिव लाइक आई कैन ऑलवेज रिसीव अ चैलेंज फ्रॉम दिस न्यू क्लाइंट क्या पता हो मेरे जॉनर का कभी mm -hmm. कभी मेरे जॉनर का नहीं होता हो बट लाइक ऑफकोर्स मैं बॉलीवुड और दैट सेंट्रिक म्यूजिक नहीं बना पाता जो इट नीड्स मोर प्रोग्रामिंग जैसे बॉलीवुड में बनता है जनरली बट हम इलेक्ट्रॉनिक फोकस बहुत बहुत सारे लाइक like, ट्रैक्स बनाते राइट सो इफ देर इज एनी दर्ज ऑलवेज सम न्यू जॉनर दैट कम्स अलॉन्ग

rather than directly diving into the money factor otherwise you will not look good and not sound good not sound professional as well true, 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 true. so money is one major factor but at the other hand, other you have to make this like piece of music for as an artist mm -hmm. and like feel it like while making it so if you're making if you're getting a project i would say that be responsible for it that you've received a project and mm -hmm. then deal it with in a way that i would say keep a client ko jano और उसके उसको मतलब समझो कि वो क्या करना चाह रहा है किस तरह की क्वालिटी प्रोसेस करता है डेफिनेटली तो अब इसमें मतलब मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे मैं भी क्या करता हूँ यूजली एंड आई आल्सो एडवाइज टू माई फ्रेंड्स कि लेट्स से अगर आप ऑनलाइन भी किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो hmm. क्या hmm. कर रहे हो आई थिंक यू शुड गेट मोर ऑन कॉल्स एंड गेट टू नो ईच अदर आर्ट मोर मतलब थोड़ा yeah. बहुत तो ऐसे मतलब ऐसे नहीं ना एकदम से कि अच्छा आपको बीट बनानी है या hmm. आपको ये वाला गाना बनाना है लो मैंने बना दी एंड यू गिव इट टू दम एंड एन वो वोकल्स भेज रहे हैं आप

इंडिया uh, में एक कल्चर ही बन चुका है कि जब तक तुम किसी बंदे को ट्रस्ट नहीं कर सकते जब hmm. तक तुम उससे मिलो ना hmm. और उसको जानो ना कि उसकी वाइब क्या है बिकॉज पीपल पीपल थिंक दैट कि वो उनका हमेशा लॉस में लॉस हो सकता है या फिर लॉस लाइक like, कुछ, कुछ भी सकता हो सकता है मैंने पैसे भेज दिए तो नहीं आए एंड होता भी ऐसा काफ़ी यार काफी लोग लाइक दे आर नॉट यू नो दे एथिकली नॉट नॉट दे राइट एथिकली वो मतलब चीजों को सही नहीं करते पैसे ले लेते हैं फिर काम रिप्लाई नहीं करते डिलेड बहुत बहुत सारी बहुत, so बहुत साइड से हाँ. दोनों साइड से प्रॉब्लम सो दैट्स दूसरी साइड को जानोगे कि हाउ डू दे वर्क एंड आई सजेस्ट जस्ट वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट दस ट्रैक की एल्बम बनानी है फिर पांच ट्रैक की आई वुड से कि एक ट्रैक पर काम करो अंडरस्टैंड द प्रोड्यूसर इफ इट वर्क अलॉन्ग वेल फॉर यू गो हैड इफ द क्लाइंट वर्क वेल फॉर यू इफ ही इज पेइंग यू ऑन टाइम एज अ प्रोड्यूसर ट्रीटिंग यू एज एन आर्टिस्ट लाइक

लाइक like, मतलब बिल्कुल अलाइन नहीं mm -hmm. हो रहा है बट इट्स लाइक हाँ जबरदस्ती करना पड़ रहा है ये वो एंड एट दू नो दैट नेट प्रोजेक्ट तो फिर आप उसको पर्सनली कैसे ना लो और हाउ यू डील विद इट लाइक एज अल इट्स विद एन आर्टिस्ट सम मेरे साथ अलग है mostly work and possess this quality and possess this like um, artistry in mm -hmm. terms of in the name of my studio

बेकार चीज बनवाच आई थिंक इज नॉट लाइक अप टू द मार्क और क्योंकि वो उसको अच्छा लग रहा है उस बने को सबसे बात तभी तो मैं कह रहा हूँ कि पहले पॉइंट पर तभी हम वापस आ सकते हैं इस बारे में पहले क्लाइंट को जाना जरूरी है कि वो चाह कह रहा है बंदे से मिल लेता हूँ, उससे दो तीन ट्रैक्स निकलवा लेता हूँ कि किस तरह की वाइब सोच रहा है वो। mm -hmm. As soon as that vibe comes along, I share what I feel around that vibe as well. It's like the, just have clear communication. Exactly. कि आप क्या सोच रहे हो, वो बंदा nee, क्या सोच रहा है। वो, वो बंदा इस वाइब से आ रहा है। हाँ uh हाँ। -huh. uh, To confirm that I understand what he is, what he is looking for, what uh -huh. his vision is, uh -huh. is, is that authority is super important. दुबारा। मेरे में की भाई को पता है कि मैं कैसा म्यूजिक बनाता हूँ mm -hmm. मेरे को और कोई समझ नहीं पा रहा आसपास तो मैं उनके पास जाऊंगा एंड टू बी ऑनेस्ट हुई वर्क विद माई फ्रेंड्स ना

बनाना चाहता है किस तरह की क्वालिटी पोजेस करता है देन बेसिकली मेक वर्क ऑन वन ट्रैक एंड मेक अ स्क्रैच ऑफ इट आई यूजुअली एक्सेप्ट लाइक अ एडवांस बिकॉज़ एडवांस इज सुपर इंपोर्टेंट सो दैट इज सीरियस फ्रॉम बोथ एंड्स दैट कि हम लोग काम कर रहे हैं चाहे वो कितना भी हो ट्रू ट्रू ठीक है मतलब hmm. वो भी हाँ. पैसे दे चुका और आप भी ले चुके हो एग्जैक्टली सो दैट लाइक मीन

कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ फिर hmm. ते ते कुछ गलत भी, भी हुआ तो तुम्हारी तुमने बीट बनाई उसके लिए तुम्हें पे पैसे मिल गए

Um, and project start karo and everything is serious in that sense that okay let's say i've paid this amount of money i got a scratch and I'm, if i'm not satisfied with it it's fine because i at, at the initial stage i know key

डिस्ट्रोकेट मैं यूज करता हूँ मोस्टली मीन फॉर माई म्यूजिक टू बी ऑनेस्ट सारी जितनी भी प्लेटफॉर्म सारे अच्छी हैं यू नो सी डी बेबीट ओकेज ट्यून कोर द ओनली थिंग इज दैट इन सभी के सब्सक्रिप्शन मॉडल अलग अलग हैं डिस्ट्रोकेट एक साल में एक बार भी थर्टी फोर डॉलर समथिंग लेता है With like two, as lot, two artists तो उसमें तुम शेड्यूल नहीं कर पाओगे कौन सी डेट hmm, है hmm, और मेरा hmm, एक, hmm. एक फ्रेंड कर चुका है <laughs> तो दिन ही आर्टिस्ट अकाउंट एनीवेज डिस्ट्रोकेड में साल भर का है आई थिंक ट्यून को और सी डी बेबी का थोड़ा डिफरेंट होता है इट्स पर ट्रैक यू डेव टू पे पूरे साल You're, you, you pay just one fee mm -hmm. for the entire lifetime. Mm -hmm. It's like that kind of thing. I, I feel. So, th ah, people like, like, usually you come around, like come across videos Joe carry that DistroKid has looted our money if you're expecting to earn from streaming, <laughs>

and then you can ask uh, uh, like always request DistroKid to release that fund mm -hmm, if you're mm -hmm, like mm -hmm. interested in two dollars two, $2, mm -hmm. which are there <laughs> sitting yeah. then you can definitely ask them and you, there are ways I think to relate mm -hmm. your account with DistroKid of course it's easy you can also collaborate with people and many things are there so yeah DistroKid and

के इश्यूज भी तभी आते हैं जब लाइक like, uh, तुम इंडिया में फिजिकली डील कर रहे हो अपने म्यूजिक के साथ या परफॉर्मिंग इट यूजुअली सो परफॉर्मिंग राइट्स आर इंपॉर्टेंट यू कैन जस्ट रजिस्टर योर म्यूजिक विद आई इन इंडिया विद दैट इज़ वन यू वॉन्ट टू फिजिकली डील विद म्यूज़िक इन इंडिया अदरवाइज इफ अदरवाइज दे डिस्ट्रीब्यूशन लाइक प्लेटफॉर्म इज यूजली डील विद ऑल दॉपी राइट इशूज विच आर हैपनिंग ऑन यू ट्यूबलर

Uh, like you're you guiding so many different artists, artists yeah, to yeah, kind yeah, of yeah. like create a digital brand and mm -hmm, how to like mm -hmm, approach further. Okay. You need to study them, I guess. Like how how, how do you deal with like uh, how do you deal with these clients? Maybe you can tell these to, to, the, to ab, the Usually hota, let's say if, if, if there's somebody who has good music hmm. and the like like they haven't figured out the social media part of it. Right. they just at this point, we Obviously, there's this thing that if you have put in money hmm. in making your song इफ नॉट चलो मनी भी हटाओ इफ यो पुट इन एफर्ट आपने घंटे डाले उसमें आर्स डाले अपने सो लाइक दैट एफर्ट नीड्स टू बी जस्टिफाइड समवेयर वेयर देर कैन बी मल्टीपल लाइक वेरियस

कि hmm. वो एक एडेड ऑन लेयर ही है बट इट्स इट्स लाइक अ फेयरली सिंपल बट वो फिर ये बोलेंगे ना कि लाइक uh, like, भाई टाइम थोड़ी है हमारे पास बट मैं वही तो कह रहा हूँ उसका आंसर कैसे देंगे हम लोग उस, उसका आंसर ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है लेट्स से ओके यू मेड यू मेड दिस म्यूजिक आपने गाना बना लिया अब टाइम क्यों नहीं है आपके okay, बस लाइक दैट इज इट्स जस्ट कि अगर आप यू इफ यू पुटिंग आउट पुटिंग आउट आर्ट ठीक है आई थिंक दैट नीड्स टू बी सीन बिकॉज वाई एल्स आर यू मेकिंग आर्ट है ना आप आर्ट बना रहे हो कुछ भी कर रहे हो लाइक द साइकोलॉजिकल फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व अगर आप कुछ भी आर्ट बना रहे हो आई थिंक यू मेक इट फॉर इधर लाइक देर इज समर्पज बिहाइंडेड कि आप बना रहे हो तो ऑबली अगर उसके उसको वो अप्रिशिएट होगी आर्ट तो यू फील बेटर यू फील गुड एनी वेज

कि अपना अकाउंट शॉर्ट करो hmm. जैसे बेसिकली वी मेक दैट रील वेल जिसमें हम बोल रहे थे कि इफ यू आर रिलीजिंग समथिंग, सबसे पहले उसके लिए प्रेप तो करो लाइक मेक श्योर योर अकाउंट इज रेडी टू लाइक हैव जो yeah. भी आएगा hmm. या आपकी वाइफ तो मैच हो इस चीज़र शॉर्ट सम थिंग्स लाइक हाई वगैरह एंड देन उसके बाद हाउ यू कैन स्टार्ट इज एड कुछ उसका उसके बा, बारे में बैक स्टोरी बता सकते हो अपने गाने के बारे में कुछ बिहाइंड द सीन्स लाइक व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग कुछ भी चीज़ चल रही है उसको रिकॉर्ड कर लो यू रिकॉर्ड सम फुटेज देन यू कैन शेयर द बिहाइंड द सीन्स यू कैन मैं अभी क्या बता रहा था हाँ यू कैन ऐड सम समेक्स टू अच्छा दिस इज दिस इज द सॉन्ग दैट एम बी रिलीजिंग दिस लाइव वीडियो और मोस्टली लाइक नॉर्मल रीस रील रील्स इज द मोस्ट बेस्ट लाइक बेस्ट थिंग टू कैपिटलाइज क्योंकि right. वो वहां पर कॉन्टेंट बनी रहा है लोग ही रहे mm -hmm. इतना जैसे एक for an example, हम एक सी ले ली जब आपने गाना रिलीज करा था वर्ड आई ब्रॉडकास्ट माई सॉन्ग इन टू स्पे तो यही तो बेसिक आइडियाज है आई गेस hmm. जो मान लो आपका गाना कहीं भी तो प्रेजेंट हो सकता है right, आप स्पेस right. में बजा दो आप कुछ भी मतलब जस्ट थिंक ऑफ अ फनरियो

जितना ऐसा नहीं ना कि मैंने गाना बनाया अनरावल स्टोरी नहीं बनाई अभी लाइक फॉर जस्ट फन एग्जाम्पल मैं देता हूँ अभी लाइक माई फ्रेंड वीरे रिलीज एन ई तो लाइक अब मैं थोड़ा मैं तो आपका ट्रेड सीक्रेट आउट कर रहा हूँ सॉरी बट उन्होंने क्या करा था जस्ट मेड दैट ई

कुछ ना कुछ उसमें फिर आप स्टोरी भी सोच सकते हो कि चलो ये गाना ऐसा लग रहा है ये गाना hmm. ऐसा लग रहा है सो ही स्टार्टेड एडिंग लेयर्स टू इट कि अच्छा ये जो गाना है देन ही लाइक गेव एन एंटायर मीनिंग टू इट कि उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे सोचा कि आई थिंक उन्होंने फिर सोचा कि मैं अपनी ई का नाम रखता हूँ सोमा तो ही इज एडिंग अ लेयर टू हि सॉन्ग वो तीन गाने चलो डिस्टिंक्ट रहे होंगे इनिशियली बट देन उनको नाम से एक कॉन्टेक्स दे दिया कि चलो सोमा अब सोमा मीन्स मून नाइट तो उन्होंने बोला चलो नाइट वाइब की बात कर right. सकते हैं इस ई पी hmm. में हम की नाइट लाइफ की बात होगी right. ये होगा वो होगा सो देन ही डिस्क्राइब हिज थ्री सॉन्ग्स एज लाइक द थ्री इमोशन ऑफ ऑफ गोइंग टू अ पार्टी तो कि जब आप पार्टी में जा रहे हो पहले इनिशियली mm -hmm. तो उससे पहले आपका क्या इमोशन होगा कि यू आर एंटिसिपेटिंग यूर फीलिंग द की वाइब अच्छा right, right. मजा आएगा ये वो एंड देन द सेकंड सॉन्ग वॉज लाइक वन यू आर इन द पार्टी सो लाइक दैट्स एन एनर्जेटिक रिकॉर्ड

तो लाइक हार्डली मी टेन फिफ्टीन मिनट्स हम दोनों बैठे हैं और डिस्कस कर रहे थे मैंने बोला कि जो आपने लेयर्स अभी मेरे को बताई जस्ट टू डिस्क्राइब द क्रिएशन प्रोसेस इन्हीं को तो बाना आपको लाइक द वे यू आर थिंकिंग अबाउट योर सॉन्ग्स ये right. आपको बस प्रेजेंट करना है exactly. तो उन्होंने एक वीडियो बनाया ही वेरी टॉकिंग वे अबाउट वे वे तो कि ये गाना ऐसे है वैसे है एंड देन ही मेड विजुलाइज अराउंड दैट सॉन्ग तो मतलब लिटरली फन फन में ही जस्ट मेड फाइव सिक्स सेवन एट वीडियोज अराउंड द सॉन्ग्स

फिर आपका आपको वो पता चलेगा कि वट वट डज इट होल्ड बिकॉज़ पुट आउट ऑफ़ ऑफ़ पीपल लाइक लाइक फ्रेंड्स वर भाई तुमने तो बड़ा प्रोफेशनली गाना निकाल लिया, hmm. ये तो okay. ऐसा, ऐसे कैसे कर दिया इट्स जस्ट लाइक इट टेक्स Why are you releasing this song, true, and what true, is it true, about? True. Mm -hmm. And like to not just like uh, feel it, document it as much as you can. So I uh, we have got into this feeling of making content now. Mm -hmm. So we are used to making content and recording a lot of things. But earlier when I was releasing music, I didn't want to record myself much. Mm -hmm. And this might be an issue for a lot of people that yeah banana? content and all that. But like we have to force ourselves a little bit when we when we are there once,

दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट इस है हम एक चीज़ तो बात कर चुके हैं mm -hmm. एक चीज़ के बारे में कि कैसे अगर कोई आर्टिस्ट है और वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं इफ़ यू थिंक ही हैज़ द स्किल्स टू मेक वीडियोज़ विच मोस्ट ऑफ अस डू एंड इवन इवन इफ यू थिंक यू डोंट हैव टाइम आई वॉन्टेड टू टच ऑन दैट कि लाइक लेट्स ए देर आर लॉर्ड ऑफ पीपल दैट आई वर्क विद लाइक उनके पास टाइम नहीं रहता उनके or be responsibilities if they have kids mm -hmm. they have like their other profession because a lot of people are coming from different profession making music yeah yeah definitely so yeah. for those especially, they how do they dedicate time like who do they approach because uh, recently i felt that uh, some artists approached people who are more into मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम रिलेटेड टू ई कॉमर्स बट दैट डजन वर्क वो काम ही नहीं करता उन लोगों के पोस्ट बना देगा ये कर देगा वो कर देगा और उसके पैसा लेकिन एड्स चला देगा बट दैट सारी चीजेंगत तो हू कैन हाउ डू थिंक दे कैन डील विद दिसक हाउ डू दे फाइंड द राइट पीपल I think us, us case maybe way. they should write you. <laughs> yeah, like, I mean, definitely, definitely. Yeah. You can reach out to me if you like are stuck. I would definitely like. Yeah. Uh, Basically, uh, if, if anyone contacts you, let's just say that. Mm -hmm. Like um, that's, that's one of the ideas that you need to find the right set of people that can help you. Uh, with the artistic journey needs artistic people to work with.

सो दैट्स वन गुड थिंग दट वीट अस डिटेड कि अपना म्यूजिक कैसे रिलीज कर सकता है कोई एंड लाइक like, um, अपना अगर किसी पास टाइम नहीं है तो हाउ दे कैन फिगर दिस आउट बिकॉज यू कॉन्ट रियली गो विद द ऑप्शन ऑफ द कमर्शियल ऑप्शन कि कैसे uh, कोई आपकी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए पोस्ट बना देगा और yeah, I mean, uh, कैसे आपका कैसे आपकी स्टोरीज आ जाएंगी बैस और बैस आपके व्यूज भी आ जाएंगे या, या, और आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे पाँच सौ रुपए में छ फॉलोवर्स उल्टा बोलते हैं छुपे में पाँच सौ फॉलोवर्स बीस रुपए में <laughs> पाँच सौ फॉलोवर्स दस हजार फॉलोवर्स बीस हजार फॉलोवर्स ब्लूटेक चाहिए आपको ब्लूटेक कितने आठ सौ रुपए मिल रहा है आपको दिल देंगे जाएंगे ब्लूटेक सो दिस इज नॉट गुड डोंट I think you would strongly suggest as hmm. well to not buy followers. For sure, for that's followers. The, like that's that is the, the, the worst thing you can do to your account. If yeah. you like at any point bought followers, account udaho. I'm just Account I mean, udaho. It's a little harsh, but I think remove those followers just, if you can. Yeah. If yeah, there's any provision, absolutely, absolutely. Maybe you can remove Instagram. No provision, but no, you have manually have to do them. Yeah. Because Instagram, like, they're not giving you followers, they'll remove them too. Exactly. But yeah, <laughs> you can remove them manually. But uh, yeah, it's like.

That is not the case. Yeah, definitely not the case. What if like for example like कोई बंदा 300 followers पे भी है hmm. और वो बहुत अच्छा content बना रहा है. I would appreciate. I would appreciate. The hell that, out of him. him. कि भाई yeah, तू 300 yeah, followers yeah. पे इतना अच्छा content बना रहा है. So और I wish that it, you have more followers. And well, just wishing, well, wishing तो है ही है, yeah. but I think उसके followers आ ही जाएंगे Right, right. Like somebody is actually, well, this is something that we have also done. Well, अपने कितने जब when I, I think when I started, there were like थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फॉर्स ऑन द पेज बिकॉज इट वज न्यू पेज ज्यादा कुछ कॉन्टेंट था नहीं बट देड पुटेक आउट मतलब ऐसा भी नहीं हमने डे वन से बहुत ही बढ़िया कॉन्टेंट डाला है बट वी स्टार्ट आउट समथिंग बट दे हमने mm. बोला हम हफ्ते में तीन दिन डालेंगे तो हम डाल ही रहे हैं मतलब वी आर मेकिंग श्योर कि हम दो बारी तीन बार डाले mm. हफ्ते में तो वी मेड दैट है

Not, not as an artist but like except for a, uh, being an artist and a producer what else you can do Achha, you know? this so, was this was I think a question, question from, as well like, the, you know, the stories yeah exactly perfect, so, perfect, ki, so I mean we can cover that as well mm -hmm. but we can also cover point th the fact that as an artist you have to do many other things like which nah, yeah. but the, the basically if you're if you're an independent artist right now right. and you're just starting you yeah. definitely have to wear multiple hats. key graphic design we of mm -hmm. you'll have to prepare your own campaign yeah because यू कैन गो आउट एंड हायर एवरीबडी इन द बिगिनिंग क्योंकि इतना फाइनेंशियल भी नहीं है एंड यू ऑल्सो यू माइट नॉट है कुछ भी मतलब इसमें सबसे पहले वैन यू आर गेटिंग इन टू कॉन्टेंट द फर्स्ट हैबिटिट यू नीड टू गेट इन टू इज कंज्यूमिंग ज्यादा ऐसा भी नहीं मैं कह रहा कि इंस्टाग्राम देखते हो दिन भर बट इट्स लाइक मेक अबिट ऑफ लाइक ट्वेंटी मिनट्स थर्टी मिनट्स इन अ डे यूट कंज्यूम कॉन्टेंट फॉर क्वालिटी एंड उनका कॉन्टेंट कंज्यूम करो सो यूल गेट ज बिकॉज यूर वॉचिंग पीपल हुर एग्जीक्यूटिंग गुड आइडिया तो उनको देखे कुछ ना कुछ समझ में आता है एंड देन वनस यू आर देयर देन द सेकंडबिट यू नीड टू कल्टिवेट इज लाइक डॉक्यूमेंटिंग डॉक्यूमेंट करना शुरू करो वट एवर यू कैन शूट करना शुरू करो एंड दर्ड थिंग स्टार्ट क्रिएटिंग एंड इवन इफ इट्स बैड वो बुरा बन रहा है वो अच्छा बन रहा है

रिकॉर्ड समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू राइट तो वही रिकॉर्ड करो जो पॉसिबल है आपके लिए यू हैव होम स्टूडियो सेटअप बेसिक्स है प्ले योर बी देर प्ले योर इंस्ट्रूमेंटल गिटार लेके जस्ट लाइक प्ले अकूस्टिक वर्जन ऑफ योर सॉन्ग तो ये छोटी छोटी चीज है यू कैन डॉक्यूमेंट सो वंस यू आर देर द थर्ड स्टेप इज जस्ट टू यू नो स्टार्ट क्रिएटिंग हा अर बैड हाअर गुड इट इज वंसार्ट क्रिएटिंग यू विम अ हैबिटिट एंड देन इवेंचुअली वन मंथ टू मंथ थ्री मंथस डाउन द लाइन यू विल गेट बेटर फॉर शोर

you know um, clients or a lot of leads in, in, in at least hmm. because of our content yeah, because yeah. they were like we discovered you through your ad and we discovered then we watched couple of your reels and we really loved the vibe exactly. so we came over तो वो wali cheez hai na ki if there is something which is working in the market right now why won't you do it मतलब ऐसा है ना भी आप फिर बोल रहे हो कि आठ साल पहले bitcoin में पैसा लगा लेता तो भी करोड़पति हो जाता तो this could be the bitcoin of the next five years कि अभी जो content बना लेगा

basically to continue to make music and to continue to make content around it i feel that's that's where we can conclude this exactly right? yeah, yeah. yeah Yeah. so cool uh, what else like we can we can cover up on the topics that like uh, i think we had a couple of more questions like there were good yeah, interesting questions, questions on yeah. on our stories exactly so, cover so uh, another question is like um, what all like essential skills other than music production we

स्किल ऑफ़ एडिटिंग आपने एडिटिंग सीख ली hmm. अब आपको एडिटिंग आती है तो यू कैन बी एडिटिंग फॉर अलॉट ऑफ पीपल अभी एडिटिंग भी तो मैं ही करता हूँ मतलब hmm. कुछ भी है छोटी तो hmm. मोटी चीज है तो आई एम एडिटिंग फॉर दैट जस्ट बिकॉज आई गेन दैट स्किल बिकॉज मैं अपने So फेले. you can basically be a content creator or like the the guy who does everything around uh, recording making content art like designing and, it yeah like, and also like putting uh, out the final result pitching the idea and like yeah, 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 designing yeah. the script and all those kind of creative true, true, things true, 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 plus true. like being uh, maybe a musical guide as well because you're already probably into music, into if you're music asking yeah this, <laughs> so but the way <laughs> yeah. you can be you can learn editing hmm. if you are good at canva let's say you are good with graphics right. so you can do a lot of stuff you can be making artworks you can be making posters posts yeah.

Uh, bla based based on placements, how do how do we get like hired in this industry? It's tough mm -hmm. definitely to get uh, like jobs in music. Mm -hmm. But I feel a lot of people are so lethargic that they that they don't do anything about it as well. because personally, I'll tell you one thing. Okay, I, I yeah, have yeah. I have one angle around this. So um, when I was desperate for uh, work at mm -hmm. a point in mm -hmm. life which mm -hmm. everyone is, mm -hmm. I used to just look around and see what all options are there.

I feel that in India currently, what all options you have at the moment is either working in a studio if they're hiring one, hmm. okay, um, e either working in the studio or working with, um, I mean, clients. Who, else, who else could work? No, clients is something else. I'm talking uh, about strictly about a job. Okay, a job, job. Or you yeah. can teach. Okay. True. Okay, teach, but like there are two different angles, so you have to be prepped in a way that you can even go for placements mm -hmm, because mm -hmm. there are a lot of people just apply for placements with their resume.

इसने हम लोग को पूछा था कि प्लेसमेंट्स कैसे कर सकते mm -hmm. हैं और लाइक कैसे ले सकते हैं एन वे आर यू नीड टू हैव अ रियली गुड वैल्यू टू शो एंड आई फील की जो कि उस जॉब के लिए या फिर उस वट एवर फील यूर अपलाइंग रिक्वायर्ड है एंड यूर मेकिंग विडियोज कॉन्टेंट अराउंड अगर मेरे को पढ़ाना है इफ़ आई एम मेकिंग गुड वीडियोज जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं है तुम्हारे पास खुद ही कोई आएगा अप्रोच करना वो तो है ही है मतलब दैट इज डेफिनेटली देयर कि अगर मैं uh, पचास वीडियोज डाल दूँ इन विच आई एम एजुकेटिंग डू गेट इनक्वाज सो एक तो दो चीज़ें हैं बस इन लोगों के लिए एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की पहले तो कीप लुकिंग आउट फॉर कीप लुकिंग आउट फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज नॉट जस्ट वन प्लेस फेसबुक ही देख लिया वैसे अभी देख लिया आई mm फील -hmm. की यू कैन चेक आउट फेसबुक लिंकड इन टाइम्स जॉब्स मैनी अदर places where if you're so desperate you should be desperate for you looking. you can for, also for follow same. the people who are directly involved in it exactly industry. you can write to them write to you them, can yeah, write yeah. to different studios definitely a lot of people already do that mm -hmm. but whenever you're writing them write in, in a way that you're releasing a song

गुड वैल्यू डील फॉर मी लाइक अगर मैं सबको लाभ कर लेता हूँ तो एम आई गोन गेट लाइक बेनिफिट वाली बात कहीं फेक फॉलोअर्स तो नहीं है फेक वो <laughs> <laughs> इसने बॉट्स लगा रखे uh, खरीद नहीं नहीं वो बात नहीं है

प्रेजेंटिंग योर सेल्फ वेरी प्रोफेशनली इन स्टफ आई थिंक यू कैन रीच आउट टू अट ऑफ पीपल है ना आप रीच आउट करो दे चेक यूर प्रोफाइल आउट वे अच्छा कि ओके यू हैव रिलीज सम म्यूजिक यू हैव पुट आउट कॉन्टेंट अराउंड दट म्यूजिक दिस इज योर वाइब बेसिकली ये है ना किस हुर यू रीच आउट इज डेफिनेट यू आउट जब वो आपको चेकआउट करे तो मेक श्योर ही फाइंड्स समथिंग दैट ही मजब भी लुकिंग फॉर या अगर उसको कुछ क्वालिटी चीज़ चाहिए इफ यून अ पोर्ट्रेट दट यू आर वेरी गुड प्रोड्यूसर या देव कॉन्टेंट अराउंड म्यूजिक प्रोडक्श ऑन ये अनदर क्वेश्चन ऑन दैट दटन क्रास्क यू प्रॉब्ली इज दैट अगर मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है और मेरा अच्छा कंटेंट है mm -hmm. तो मैं तब क्या करूँ uh,

सबसे पहले आपको मैसेज ही पड़ेगा ना हुँ. उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल पे जाएगा रही, रही. So अगर आप बोलो यार कोलैबोरेट कर ले साथ. अभी मेरे साथ बंदे ने लिखा बस, बस करूं इसका नहीं वो तो चल वैसे किसी तो डेफिनेटली नहीं हो पाए आपके दिमाग में आया भी कैसे ख्याल मैं कोलैबोरेट करना चाह रहा हूं एक्स वाई जेड के साथ तो मैं इसको कोलैबोरेट लिख देता हूं मैं क्या करूं तेरे कोलैबोरेट का

काम करना है इसके बाद इसके लिए बीट्स बनाऊंगा या फिर इसके लिए वोकल्स दूंगा ये बढ़िया प्रोड्यूसर है आई थिंक आई शुड हॉप ऑन टू योर बीट्स जो भी जस्ट लाइक एवर एंगल यू आर अप्रोचिंग फॉर अ कोलैबोरेशन तो उसको अप्रोच करो आई थिंक हुज म्यूजिक और हुज आर्ट यू एक्चुअली रियली अप्रिशिएट तो आपको फिर फेक नहीं करना पड़ेगा व्हाटएवर यू राइट इज गोना बी जेन्युइन एंड देन लाइक राइट वट यू एक्ट मतलब वो लिख दो राजन hmm. कीपिंग अच्छा मैं अपने मन में सोच रहा हूँ यार मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है music, और मैं लिख दिया कोवरेट hmm. तो बेवकूफी है ना right, मेरे right. को अच्छा लग रहा है तो जस्ट एक्सप्रेस इट टू देवरीबडी लवे यू अप्रिएट दर आर्ट एवरी अप्रीशिएट दूजिको लिख दोथिंग अलॉंग दिस वाइड और uh, मेरे पास ऐसी बीट्स है एंड लेट्स वॉक I feel as a like, for example, there are many artists that you'll find that you'll really like mm -hmm. and they're still growing. If you keep on telling them that do you like your, I like your music mm -hmm, or mm -hmm. like if you if you give them nice suggestions or like tell them like come here, come mm -hmm, there or like I really like this track, that track. So they start to know you as a viewer as well. There's always some cycle of, because if they, if they have less numbers, yeah right? true. So ha. then you can kind like kind of like be in a somewhere uh, uh, like a you know digital space.

whose art I'm रियली really appreciating और मैं target रखूँ इनको मैं दो महीने बाद अप्रोच करूँगा hmm. अभी नहीं कर रहा मैं इनको अप्रोच फॉर द नेक्स्ट टू मंथ्स फॉर एम गोने डू इज अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसको फेक करना है आई एम टॉकिंग जेन्यूनली डू दिस मैंने ऐसे नहीं किया मैं तो इस मिशन के लिए कर रहा हूँ कि okay. दो महीने बाद कोलेबोरेट करने से नहीं लाइक इफ यू डू दैट दैन इट्स लाइक गोने बी अ बैड रिलेशनशिप मतलब वो फिर उसका आउटकम भी उतना अच्छा नहीं आएगा एनी व्यूज है ना तो फाइन टेन पीपल हुज म्यूजिक यू रियली अप्रिशिएट कीप अ टारगेट ऑफ टू मंथ्स कनेक्ट विद दैम उनके साथ कॉमेंट्स में इंगेज करो

bro i i have been following you i see you yeah. appreciating my work let, let's work together and the same thing as we said before if you're making really nice content at the same time you 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 text someone about collaboration definitely they'll come and see your content and there you go absolutely and so many uh, like uh, producers like they they spin the globe like for example there is that there the are price. Uh -huh, Connor price uh -huh. he spins the globe uh, finds the best artist mm -hmm, which mm -hmm. he f he feels he vibes with of course he's looking at numbers probably or not i'm not sure but he's always looking for talent

the the uh, the artistic side mm -hmm. of the of the artist from the musical side mm -hmm. and how you can bring the ma artistic marketing side of a person like how do you can like really create a story around it and that works really well for connor price and he does it so well to sum up what the question was I think less valued up tab ke, agar aap bure text kar raho, mean, like you're sending bad messages you're not uh, forming a relationship with the person that you are right, right. like looking forward to right, collaborate. Right, with right. and if you yourself are not putting out your art अगर आप आर्ट डाल रहे हो अगर आप वो सब चीजें no exactly. I mean, um, हमें क्यों देख रहे हैं लोग अभी इट बिकॉज ऑफ दिस राइट लाइक बिकॉज दे फील की हम लोग कोई वैल्यू देते हैं exactly, तो तो तभी हा, हम लोग फॉलो करके यहाँ पे कब पता देखने कुछ रील देख के कुछ भी देखे हमारा दट इज दिंग आई मीन स्पॉट यू ट्राई टू से

Say, I, I, I am think I think that, but yeah. so we'll figure yeah, so it it was a like, there, I think good great vibe again. Amazing. Right again. So if there are any questions from anyone, please write them to us in the comments. And, if, and please uh, hit the subscribe button because we are here on YouTube now. So please uh, support us here on YouTube and like and you know subscribe this video. Which usually what we have to say on this. Otherwise, <laughs> Menel will tell me that we never said that on this video. So. Uh, please subscribe <laughs> yeah guys. Hit, subscribe. Hit, the, hit the subscribe button yeah subscribe. <laughs>